हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट प्लूम्स। तो ये एक बहुत ही पुरानी सुराही है और आज मैं इसका ही मेकओवर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने इस पे जैसो से एक बेस कोट दे दिया है और जैसो ड्राई होने के बाद व्हाइट एक्रेलिक से भी एक कोट दे दिया है। यहाँ मैंने एक्रेलिक कलर्स और चॉक पेंट्स का यूज किया है। इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि ये एक बहुत ही पुरानी सुराही है, लगभग 40 साल पुरानी, जो मेरे मम्मी के पास पड़ी थी। मम्मी ने इसे ऐसे ही स्टोर रूम में डिस्कार्ड कर रखा था, तो मैंने उनसे कहा कि आप ये मुझे दे दो, मैं इसका मेकओवर कर दूंगी। तो इसका बेस कोट मैंने वही मम्मी के घर पे ही कर दिया था और उसके बाद ये सुराही काफी महीनों तक ऐसे ही पड़ी रही। तो अब मदर्स डे आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी की ये सुराही पेंट करके मम्मी को ही दे दूं। तो बातों बातों में काफी कलर भी हो गया। इस पार्ट पे मैंने कॉपर कलर कर दिया है और स्टेंसिल से ये पैटर्न दे दूंगी। तो चलिए बाकी की सुराही भी पेंट कर लेते हैं। तो जो मेरे मन में आ रहा था वही कलर मैं करती जा रही थी। मुझे इसे बहुत ही कलरफुल रखना था तो मैंने इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेड्स यूज किए हैं। फिर मैंने पोस्का मार्कर से यहाँ कुछ और पैटर्न बना दिए
और ये पैटर्न मैंने मैक्सिकन आर्ट से इंस्पायर्ड होकर बनाए हैं। और इस सुराही में जो पैटर्न पहले से बने हुए हैं वो भी उसी आर्ट फॉर्म से मिलते जुलते थे। यहाँ भी मैंने कॉपर कलर कर दिया है और जो बाकी बचे हुए पार्ट्स थे उन पे मैंने ब्लू कलर कर दिया और कुछ डिटेल्स भी ऐड कर दी हैं। फिर मैंने मेटालिक वैक्स से इसके हैंडल और स्पाउट पार्ट को और इन्हेंस कर दिया और लास्ट में वार्निश के दो कोट्स भी कर दिए। मेटालिक वैक्स और वार्निश मैंने इट्सी बिट्सी की यूज़ की है। अगर आप भी इट्सी बिट्सी से कुछ लेना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड मंदीप5 यूज़ करके 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। तो सुराही का मेकओवर तो हो गया। इसे एज अ फ्लावर पॉट भी यूज किया जा सकता है, लाइट्स ऐड करके एज अ लैंप भी यूज कर सकते हैं। मुझे तो लाइट्स ऐड करने के बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। तो मम्मी को तो ये मेकओवर बहुत ही पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी कर ही देना। जल्दी ही मिलते हैं एक और अमेजिंग से DIY के साथ। टिल देन, कीप क्राफ्टिंग एंड कीप ब्लूमिंग।